कक्षा 9वीं हिंदी में हम आज पढ़ेंगे कुछ शब्द के बारे में क्वेश्चन आंसर और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये आपका काव्यांश का पाठ है, शब्द के पद। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, क्या है क्वेश्चन? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो आंसर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, कई तीर्थ यात्राएं जाता है ना? तो वैसे ही बताया है, विविध पूजा में ढूंढता फिरता है, और कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई तीर्थ स्थान में। ये योग साधना या संन्यास परमात्मा में खोजता है, कोई अन्य साधना को अपना कर ईश्वर को खोजता है ना? मंदिर मस्जिद काबा ये सब में जाके या कोई कोई सन्यासी भी हो जाता है। फिर प्रश्न है दूसरा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के किन किन विश्वासों का खंडन किया? कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया कि जैसे ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना तीर्थ स्थानों में है, कर्म कांड करने से मिलता है, ना ना योग साधना से, ना वैराग्य से मिलता ही है, सब ऊपरी दिखावा है। क्या कहते कभी यह सब इसमें मन लगाना व्यर्थ ही है। फिर है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों में श्वास में क्यों कहा? श्वास का श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीर अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, कण कण में है, यह सांस सांस में है, यह हर प्राणी के मन में समाया हुआ है। सांस सांस के बारे में बताया था ना कि सांस में ही घट घट में व्याप्त है और कण कण में। फिर प्रश्न, कबीर के ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से ना करके आंधी से क्यों करी उसने? कबीर ने साहब ने क्या बोला कि ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों करी तुलना? कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरे जीवन का ढंग बदल जाता है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन होता, बल्कि एकाएक पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से की है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं और परिवर्तन धीरे धीरे ना होते अचानक वेग से तेजी से होता है। फिर ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का आने पर व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन देखने मिलते हैं? ये क्वेश्चन बदल के भी आते हैं, जैसे ये एक ये दो, उसी क्वेश्चन को ये बदल दिया गया कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसी को चेंज करके ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन देखने मिलते हैं? तो आप देखेंगे ज्ञान की आंधी के आने के भक्त के मन में सारे पाप धुल जाते हैं, उसके मन की भ्रम दूर हो जाते हैं, माया मोह ममता नष्ट हो जाती है और शुद्ध मन से भक्ति प्रेम की वर्षा होने लगती है आगे। इस प्रकार से भाव बदल जाता है। भाव स्पष्ट करिए, जैसे दिया है, तिथि चित्त की दैत होनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इसका भाव है कि ईश्वरी ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंता समाप्त हो गई है तथा सांसारिक मोह माया का नाश हो गया है। दूसरा है, आनी पीछे जो जन उठा प्रेम हरी जन बीनो। इसका क्या अर्थ है? इसका भाव यह है कि ईश्वरी ज्ञान हो जाने पर प्रभु उसके आनंद की वर्षा हुई और आनंद में भक्तता हृदय पूरी तरह डूब गया। भाषा अध्ययन की क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित के तत्समरूप लिखिए, पंखा पखी अनंत जो जुगति वैराग और निरपक। तो पक्का पक्की का क्या है? पक्ष विपक्ष, अनंत का अन्यत्र, जोग का
प्रश्नों के बारे में। क्या है शब्द के शब्द पद या उसका शब्द के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में कि कबीर की भाषा क्या है। कबीर की भाषा क्या है? सदुकड़ी। फिर कबीर की रचना क्या है? वो आएगा बीजक। निर्गुण धारा के इसका पहले का आंसर आएगा आपका ये, दूसरे का बीजक आएगा, तीसरे का आएगा आपका निर्गुण भक्ति धारा के कबीर कबीर के। फिर सोई संत सुजान इन पंक्तियों का अलंकार अनुप्रास आएगा। पांच में आएगा आपका मुसलमान। काबा तीर्थ स्थान कहाँ पर है? मुसलमान है। तीर्थ स्थान क्या है? मुसलमान है, हिंदुओं का नहीं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कबीर ने अपने दोहों में ईश्वर भक्ति बा समानता का संदेश दिया है। काय का दिया है? समानता, समानता का संदेश दिया है। फिर ईश्वर हर प्राणी के हृदय में है। हृदय में पखा पखी का अर्थ क्या बताया था हमने? पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। फिर ऊंच वैराग्य का तत्सम रूप वैराग्य। ऊंचे कुल का जन्मी आया इसका क्या बताया? करनी, करनी ऊंचना होए। ये पंक्ति है सही कोड़ी बना शुभ्र का, शुभ्र में आ जाएगा एक नंबर सही है। फिर केली क्रीड़ा, अस्थि हाथी। फिर सुजान ज्ञानी। फिर क्या है? चून चून आटा। फिर सत्य असत्य बताए। ईश्वर सबकी सांसों में मिलता है। कबीर के दोहे धार्मिक ये बिल्कुल सत्य है। कबीर के दोहे धार्मिक सत्य संकीर्णता के तद्धार है। सोने का घड़ा यदि मदिरा से भरा हो तो उसकी निंदा ही होती है। सही बात है। मोती चुगने का अर्थ है मोती खाना। अमृत भक्ति मुक्ति आनंद पुष्प पुष्य और सद्भावना के प्रतीक है। सत्य। आदि प्रश्नों को आपको हल करना है बच्चों कॉपी में और पढ़ाई करनी है। आप कॉपी में लिखिए प्रश्नों के आंसर को जो आज पढ़ाए हुए हैं, यही आपका गृह कार्य है।